रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लॉकडाउन का लगभग डेढ़ साल का अरसा, बड़ी तकलीफों का कोरोना काल का ये पूरा अरसा जो है, बीतने के बाद फिर एक बार मुमरा कौसा ने समूचे महाराष्ट्र को ही नहीं, समूचे देश को एक नया संदेश, एक नई पहल के तहत समूह लगन की ये पहल, इज्तिमाही निकाह की ये पहल, हालांकि यस वी कैन फाउंडेशन, ये जो एनजीओ है पिछले कुछ वर्षों से इस शहर में काफ़ी सक्रियता से अपना योगदान दे रहा है। शहर के हर फील्ड के अंदर, हर मसले के अंदर यस वी कैन और उसके तमाम लोग आगे रहते हैं, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे वो सामाजिक समस्याओं से जुड़ा हुआ कोई भी शोभा हो। आज यस वी कैन की तरफ से 30 नवंबर को कौसा के इस हॉल के अंदर समूह लगन का यानी इज्तिमाही निकाह का इंतज़ाम किया गया। यहाँ इज्तिमाही निकाह पूरा हो चुका है और ये देख सकते हैं ये तमाम दूल्हे हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। यस वी कैन की ये पूरी टीम है, डॉक्टर रमीज़ है, एडवोकेट कबीर हैं, यहाँ उनके साथ हमारे मुमरा वॉइस के फिरोज खान साहब हैं और इस तरफ जो है हमारे हसन मुलानी साहब हैं, अल्ताफ खलीफे भाई हैं हमारे, और यस वी कैन के एक और ये अहदेदार हैं। ये वो मेहनत है, पिछले लगभग डेढ़ दो महीने से ये मेहनत चल रही थी और ऐसा नहीं है, ये भारत का एक एनजीओ है जो भारतीय दृष्टिकोण से यहाँ पर इस समूह लगन का आयोजन करना चाह रहा था, मगर बदकिस्मती ऐसी रही कि मुस्लिम समाज के अलावा अन्य किसी दूसरे समाज ने या दूसरे वर्ग ने जो है काफ़ी कोशिशों के बावजूद जो है यहाँ पर संपर्क नहीं किया। नहीं तो यहाँ पर आपको हिंदू समाज के भी जोड़े नज़र आते, यहाँ पर आपको बौद्ध समाज के भी जोड़े नज़र आते और क्रिश्चन समाज के भी जोड़े नज़र आते। और यस वी कैन की ये कोशिश है कि अगले साल इनका जो समूह लगन का कार्यक्रम होगा तो उसमें बड़े पैमाने पर जो है अन्य समाजों के और अन्य धर्म के लोगों के भी जो है जोड़े नज़र आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं आज इस इज्तिमाही निकाह का लाभ उठाने वाले, उसका फ़ायदा उठाने वाले जो दूल्हे हजरात हैं उनमें से कुछ में से हम एक दो से बात करेंगे, किस तरीके का उनका ये एक्सपीरियंस रहा है, किस तरीके का अनुभव रहा है और क्यों करके आज की इस दौर में समूह लगन के इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने यस वी कैन फाउंडेशन जैसे एनजीओज के ज़रिए ये जो एक पहल की गई है इसको मजबूती से आगे बढ़ाते हुए सबने इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, आप अगर अमीर हो तो अमीर होने के नाते आप अपनी एक शादी में जितना खर्च कर सकते हैं उस एक खर्च में, आज जिस तरीके से यहाँ 9 जोड़ों की शादी हुई है तो आप उस एक खर्च के अंदर जो है तकरीबन 50 लोगों की कम से कम शादी करा सकते हो। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है अमीरों के लिए भी और गरीबों के लिए भी। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हाफिज़ उस्मान गनी शाह है, मैं भिवंडी से रहने वाला हूँ और भिवंडी से मैंने कॉन्टेक्ट किया था हसन भाई को हमारे जी, तो इज्तिमाही निकाह के लिए जी। तो उन्होंने हमको कांटेक्ट नंबर दिया, कांटेक्ट किया हमने तो यहाँ पर आए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जो इंतज़ामिया इन लोगों ने की है, इन लोगों ने जो मेहनतें की है, अल्लाह उनको सलामत रखे और आगे भी कामयाबी और कामरानी की तौफीक दे। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम शब्बीर अहमद अंसारी। वसीम भाई, आज नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है, यस वी कैन के प्लेटफॉर्म पर आकर के आपने एक नई ज़िंदगी की ये फिर से शुरुआत, उसके लिए सबसे पहले हिंदुस्तानी रिपोर्टर की तरफ से आप सभी को मुबारकबाद हो। कैसे महसूस कर रहे हैं और ये तमाम जो कोशिशें हुई है उस पर क्या कहेंगे आप? रफीक भाई, मैं यस वी कैन फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ही नहीं, 8 से 9 जोड़े के जोड़े लोग उन लोगों ने शादी करवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बीच में न्यूज़ देखा था इनकी के कुछ हिंदुओं का भी जो यहाँ पे होना थे शादी वगैरह, पर वो किसी मसले की वजह से नहीं आ सके हैं या वो किसी मसले की वजह से यहाँ नहीं पहुँच सके हैं। इंशाल्लाह रफीक भाई, मेरी सोच तो ये है अगले साल इंशाल्लाह कि अल्लाह ने चाह, अल्लाह ने ज़िंदगी हयात रखी तो मेरे से जो हो सका मैं इस फाउंडेशन को डोनेशन करूँगा अपनी तरफ से। हमारे साथ हैं एस वी कैन फाउंडेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर रमीज राजा। रमीज भाई, इस कंसेप्ट को हाथ में लेने से लेकर, सोचने से लेकर, हाथ में लेने से लेकर उसको अब अंजाम तक पहुंचाने तक का सफ़र कैसा रहा, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मदद आई तो कहां से आई और आज ये कामयाबी हुई है, 9 जोड़ों को आपने ज़िंदगी के धागों में बांधने का बहुत बड़ा काम किया है, इज्तिमाही तौर पर किया है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ पर तमाम लोग जो आए हैं और मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हिंदुस्तानी रिपोर्टर में,
हिंदुस्तानी रिपोर्टर को, जिसने हमारी काफ़ी मदद की इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैला देने का। इनका मुमरा का हाईएस्ट यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं और इसकी वजह से हम लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 9 जोड़ों का निकाह बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही स्मूथली हो गया। ये प्लान हमारा कोविड के दौरान आने वाले कॉल्स की वजह से था कि बहुत सारे कॉल्स आते थे और कई सारी शादियां नहीं हो पा रही थी सिर्फ माली हालात की वजह से। तो हमने एक कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई और इसमें फिर ये तय किया कि क्यों ना हम इज्तमाही निकाह करें। एक निकाह के खर्च में या उससे थोड़ा ज़्यादा, उस निकाह के खर्च में तमाम लोगों का जो जो जोड़े निकाह करना चाहते हैं इज्तमाही तौर पे उनका निकाह हो सकता है। मुश्किलें आई लेकिन मैं इस मुश्किलें आने के बाद हमने एक पूरी 150 लोगों की टीम बनाई जो हम लोगों ने साथ में मिलकर काम किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा JMBR फाउंडेशन का, बशीर हजवानी फाउंडेशन का, जमातुल मुस्लिमीन ताल्लुका खेड़ की ट्रस्ट का और यशवी कैन फाउंडेशन के तमाम साथियों का, जिनके बिना ये प्रोग्राम हो ही नहीं पाता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये प्रोग्राम तमाम साथियों के मदद से एहतमाम तक पहुंचा है। एडवोकेट कबीर, अगले साल फिर से यस वी कैन फाउंडेशन इस कंसेप्ट के साथ लोगों के बीच में आएगा, फिर से इज्तिमाई निकाह, सामूहिक लगन, समूह लगन, ये जो हम कहते हैं वो फिर से करने की कोशिश रहेगी। तो ये अब की बार 9 मुस्लिम जोड़ों को जो है आपने एक ज़िंदगी के नई शुरुआत का प्लेटफॉर्म दिया है। अगली बार ये और रिलीजन्स का हो, सर्वधर्मीय हो, उसके लिए लोगों से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया इतने के बिजी शेड्यूल में भी रफ़ीक भाई आ पाए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अल्लाह ने चाहा तो हमने बशीर अजवानी साहब से भी बात हुई, जमी जमात ने भी ये कहा है कि इसको अब डबल करना है, तादाद को 10 की जगह 20 करना है। हमने तो इस बार भी अप्रोच किया था, 2-3 जोड़े हमारे पास आए थे, जो 40 जोड़े हमारे पास लिस्टिंग में आए थे उसके बाद स्क्रूटनिंग करने के बाद 10 जोड़ों को फाइनल किया। उसमें 2 दलित फैमिली के थे, 2 नॉन हिंदू फैमिली से थे, पर उनकी पत्रिका का कुछ इशू हुआ इसके लिए नहीं वो आ पाए। तो हमने तो कोशिश की है कि समूह लगन हर किसी के लिए ओपन है, वी आर रेडी टू ओपन। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कि आपका प्लेटफॉर्म यूज़ करके हम और इस मैसेज को चलाएंगे कि आते वक्त हमारे साथ और मज़हब के लोग जुड़े और उनके भी मसले आसान हो सके। खास करके मैं थैंक्स कहना चाहूँगा बशीर अजवानी साहब का, उन्होंने जब हमारा प्रोग्राम सुना तो उन्होंने यही कहा कि कबीर भाई ज़रा भी आप कोई भी चीज़ के लिए हिचकिचाएं नहीं, मैं हमेशा खड़ा हूँ पैसे से लेके ताकत से लेके हर चीज़ से, ये बहुत बड़ा खैर का काम है। और उन्होंने भी ये प्रेशराइज किया था मुझे कि और कोई धर्म के भी लोग करना चाहते हैं तो उनको जोड़े। अब पर्सनली ये सोशल मैसेज जाना चाहिए कि हमारे में इस हर सेलिब्रेशन को लेकर कोई नाइतफाकी नहीं है, हम सेलिब्रेट करते हैं तो हर अच्छी बुरी चीज़ एक साथ मिलकर।